प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विजय डोगरा ने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता करते हुए विजय डोगरा ने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और जिसका सीधा उदाहरण हर वर्ग के कर्मचारियों का सड़क पर आना है। कर्मचारी ही नहीं, विभिन्न वर्गों के लोग भी सरकार से खफा होकर आंदोलन के रास्ते पर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये चीज साबित करती है कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश सरकार न सिर्फ हिमाचली हितों को सुरक्षित रखने में नाकाम रही है, बल्कि समाज के हर वर्ग को इस सरकार ने केवल जख्म दिए हैं। आज प्रदेश के अंदर जिस तरह से कर्मचारी सड़कों पे हैं, किस किस विभाग की बात करूं, आज हर कर्मचारी आज इस सरकार से तंग है और सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। यह भी एक हठधर्मता की कोई सीमा होती है। और मुझे ऐसे लगता है कि प्रदेश के आज परिचालक भूख हड़ताल पे हैं। पिछले दिनों जिला परिषद के अधिकारी कर्मचारी संघ वो सड़कों पे था, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी सड़कों पे हैं, गृहिणी सड़कों पे हैं। आज मुझे आपके इन चैनल्स के माध्यम से ये कहना है कि आज प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि हताशा में हम लोगों को असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आज तो बड़ी दूर की क्या बात है, पिछले 2021 से हमारे माननीय हाईकोर्ट ने भी कर्मचारियों का जो सबोर्डिनेट कोर्स है उनके कर्मचारियों के लिए जो रूल्स और नियम जो तैयार किए थे सरकार के पास वो भेजे हैं कि उनके प्रमोशन की बातें थी, उनकी और कोई मांगे थी, वो भी 2021 से आज दिन तक लंबित पड़ी, उसके ऊपर भी कोई विश्वास कोई चर्चा नहीं हो पाई है। और ये कहना कि हम लोगों ने कमेटियां बना दी, ये मात्र एक छलावा है और उन सारी बातों के ऊपर सिर्फ एक पर्दा डालने की बातें जो हो रही हैं, आने वाले समय में कांग्रेस कर्मचारियों को उनके जो हक हैं उनके हकों की लड़ाई पहले भी कांग्रेस ने लड़ी है, आगे भी कांग्रेस लड़ेगी, ये बात मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं।